चेनिची चला किताब पढ़ने। डिंग डिंग। मैं आ गया। हथौड़ी कहाँ हो तुम? डिंग डिंग। अरे तुम ऐसे लटक कर क्या कर रहे हो? डिंग डिंग। खाना खाने के बाद झपकी ले रहा था। ऐसे चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए हथौड़ी। क्या हुआ? मैं बुक को उलट पुलट रहा था। ये क्या कह रहे हो? मैं तो भूल ही गया था, किताब को उलट पुलट करने का मतलब है जेब का एक पैसा खर्च किए बिना ही किताब को पढ़ लेना। इससे पॉकेट मनी बचती है। इस तरह तुम अपनी पॉकेट मनी बचा सकते हो। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी हूँ। और मैं भी। चलो फिर सब चलते हैं। डिंग डिंग। तुम सब पहली बार किताब को उलट पुलट करने वाले हो, थोड़ा होशियार रहना। डिंग डिंग। अंकल से भी उनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। पल्लो गुस्से वाले लगते थे नहीं है। हाँ ये सही कह रहा है। अच्छा तो एक और आ गया। ठीक है अभी बताता हूँ तुम्हें बच्चों। भागो यहाँ से। अच्छा तो इसका मतलब हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ सही कहा केनिची, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा तो ये लड़का फिर से आ गया। जब तक अंकल सो रहे हैं तब तक मैं ये किताब अच्छी तरह पूरी पढ़ लेता हूँ। अभी रास्ता पूरी तरह से साफ है। अरे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस समय बहुत मजेदार बुक पढ़ रहा हूँ। मजाक मत करो, मैं जानता हूँ शिंजो ये तुम ही हो। थोड़ी देर रुक जाओ ना। तुम्हें किस तरह का मजाक पसंद नहीं है? अभी मैं बहुत मजेदार चीज पढ़ रहा हूँ। स्पेस से बहुत सारे एलियन धरती पर आ जाते हैं। क्या? माफ करना अंकल। क्या यहाँ से? मुफ्त में किताबें पढ़ने वाला मुझसे बच नहीं सकता। इस बार मैं जाता हूँ। कबड्डी कबड्डी, खाने की चीजें। समझ में नहीं आ रहा है अखबार के पीछे अंकल सच में सो रहे हैं या वो सो रहे हैं। वहाँ क्या बात है, इन डिशेस को देखकर तो मुंह में पानी आने लगा। क्या जमाना आ गया, आप डॉगे भी मुफ्त में किताबें पढ़ने लगे। वहाँ क्या बात है। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? पकड़ा गया। तुमने बताया था ना कि वो अंकल हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। हाँ वो ऐसे ही रहते हैं। सुषमान तो ना समझा, मैं उसका ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अब देखो मेरा कमाल, मैं सारी किताबों को उलट पुलट कर दूंगा। अभी आता हूँ। लगता है ये भी मुफ्त में किताब पढ़ने आया है, लेकिन मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा। अरे वो छोटा लड़का कहाँ गायब हो गया? लगता है वो खुद ही पतरी गली से बाहर निकल गया। अरे वाह ये तो कॉमिक है। हाँ, इसमें ये बच्ची कितनी प्यारी है। पुलिस की मम्मी इसे खाने को नहीं दे सकती है, बेचारी भूखी है। अरे बच्चे तुम्हें हुआ क्या है, ऐसे रो क्यों रहे हो? बच्ची को भूख लगी है। लगता है हमारे इलाके में भयंकर भूकंप आ गया है। लगता है शिंजो ने गड़बड़ कर दी। अब तो मुझे बस अपनी ही किसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब देखता हूँ और कौन आता है। डिंग 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 डिंग। तुम तो कमाल कर रहे हो। मैं पहले चेक करता हूँ, फिर अंकल हमें उल्लू तो नहीं बना ले। अंकल वो चाहिए। उठे अंकल। सब ठीक है। इसे खाने में कितना मजा आएगा। हाँ ये क्या कर रहे हो शिशिमानू? इसे तो मैं खाऊंगा। मैंने तुम्हें किताबों को गंदा करने की परमिशन नहीं दी है। अरे वाह मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मुबारक हो केनिची। मेरा सर।
इस बार मैंने अपनी कितनी सारी पॉकेट मनी बचा ली है। अरे वाह, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए तो दोस्तों मैं तो शॉपिंग जा रहा हूँ। रुक जाओ केनिची, केनिची तो दोबारा उस बुक स्टॉल में गया। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अंकल इसकी अच्छी खबर लेंगे। मैंने बुक खरीद ली। इस किताब में कितनी जानकारी दी गई है, मैं हमेशा से इसे खरीदना चाहता था। लेकिन ये किताब तो तुम उस दिन पढ़ चुके हो। हाँ, ये मुझे अच्छी लगी है, इसीलिए मैं इसे बार बार पढूंगा। पता नहीं कभी कभी इस लड़के को न जाने क्या हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि केनिची को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डिंग डिंग।